नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। वक्त हो चला है आर्या स्पीड का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो की FM सेवा के विस्तार को ऑल इंडिया FM बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर की यह शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन में सदस्य राज्यों के परिवहन मंत्रियों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में SCO रक्षा समिति की बैठक का किया अध्यक्षता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई सोइगू ने भी दिल्ली में आयोजित SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। चीनी रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू ने दिल्ली में आयोजित SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर पीएम मोदी को जहरीला सांप बताने वाले बयान को लेकर साधा निशाना। येदियुरप्पा ने की माफी की मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के जेवरगी में आज चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रणदीप सुरजेवाला सहित कांग्रेस के कई नेता रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। 6 दिनों में करेंगे 15 जनसभाएं और रोड शो। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा ने कहा कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो उन्हें हमारे पास आना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी। सड़क पर उतरना खेल के लिए अच्छा नहीं। PT उषा के बयान पर पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि ऐसा सुनकर बुरा लगता है क्योंकि वो खुद एक अच्छी खिलाड़ी है। बजरंग पुनिया ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपकी अकादमी को तोड़ा जा रहा था तब आप ट्वीट कर रही थी, क्या तब देश की गरिमा पर आंच नहीं आ रही थी। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से आग्रह किया। महाराष्ट्र में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप के आरोप में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। IPC की धारा 376D और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। मणिपुर के चुराचांदपुर में CM के कार्यक्रम के लिए तैयार किए गए वेन्यू पर आगजनी के बाद इलाके में इंटरनेट सर्विस कर दी गई बंद। ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर भी रोक। अभिनेता सूरज पंचोली जिया खान आत्महत्या मामले में फैसले के लिए मुंबई की विशेष CBI अदालत पहुंचे। जिया खान सुसाइड केस में आज सुनाया जाएगा फैसला। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की कथित हत्या और कालीगंज में नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार और हत्या के खिलाफ बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हरियाणा से पहलवानों के समर्थन में उठी आवाज। कई खाप महिला संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा पहुंचेंगे जंतर मंतर। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने 11 भाषाओं में जारी की एडवाइजरी। पंजाब के जिला जेलों में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। मामला करवा सकता है खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह लहांडा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला करते वक्त मर्यादा भूले उद्धव ठाकरे, कहा जूते पोछने की औकात वाले लोग सरकार में बैठे। माफिया अधीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हत्याकांड की निष्पक्ष जांच के लिए दायर की गई 2 याचिकाएं। पंजाब में BSF जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। गुरदासपुर सेक्टर में ड्रोन पर गोलीबारी के बाद पाकिस्तानी सीमा में वापस लौटा, सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिकी सेना के 2 हेलीकॉप्टर अलास्का में दुर्घटनाग्रस्त। हेलीकॉप्टरों के ट्रेनिंग पॉइंट फ्लाइट के दौरान हुआ दोनों हादसा। हेलीकॉप्टरों में 2 लोग थे सवार।